हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी व्यू में। आज ये साइंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का अगला पार्ट है। हम अभी इस पार्ट टू में ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, कारण है। पहला है, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है और पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है और उसके आयतन में परिवर्तन होने के कारण पाइपलाइन के बाहर जैसे ही बर्फ़ फैलती है उसके कारण पाइप क्या होता है, फट जाता है। अगला है, थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है, दो सृदश धातुओं से इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा दो सृदश धातुओं से इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि पहाड़ों पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे तापमान कम होगा और उसके कारण क्या होगा, तापमान वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होने के कारण जो पानी है वो उबलने लगता है फास्टली। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं, तो इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है, 100 डिग्री से 250 डिग्री, 100 डिग्री से ऊपर, 250 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कवर किया है, तो आप वहाँ पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला है, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप, तो इसका आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप में एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला है, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 100-200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, इनमें से क्या अतिशीघ्र ठंडा होगा, तो घन, गोला, वृत्ताकार प्लेट, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है वृत्ताकार प्लेट। इसका कारण यह है कि वृत्ताकार प्लेट इसलिए होगी क्योंकि जो वृत्ताकार प्लेट होती है उसका जो आयतन होगा वो ज़्यादा होगा और जितना आयतन अधिक होगा उसके कारण हीट क्या होगी, ज़्यादा बाहर निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्था का कौन सा समूह उपयुक्त है, प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप, शुष्क हवा, तो इसमें से जो होगा वो है आंसर, पहला होगा प्रबल वायु चाहिए हमें और उच्च ताप चाहिए और शुष्क हवा चाहिए, ये सब कारण होंगे। उसके कारण क्या होगा, एक कपड़ा सूख सकता है, उच्च आर्द्रता में कपड़ा नहीं सूख सकता है क्योंकि ज़्यादा नमी की वजह से पानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और शुष्क वायु होने के कारण पानी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह होता है अमोनिया और अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। मुंबई में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, वह शिमला में उबलेगा, तो सिंपल सी बात है, शिमला हाई जगह पे, एक ऊँचे स्थान पर है, तो वहाँ पर 100 डिग्री से कम, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। यदि हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, पहले जितना ही रहेगा, काफ़ी कम हो जाएगा, आंसर है इसका तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 ये है, यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उपयुक्त सभी, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा है, 80 डिग्री सेल्सियस पे 2 लीटर पानी को प्लास्टिक की एक बाल्टी में डाला जिसमें पहले से ही 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, पानी का अंतिम ताप होगा, तो जो पानी का ताप होगा वो होगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ये एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपको मैं अलग से एक न्यूमेरिकल वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा, प्लीज़ वहाँ पर वो वीडियो को देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणांक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 सेल्सियस, 273.16 फ़ारेनहाइट या 273.16 केल्विन या 373.16 केल्विन। तो इसका आंसर होगा, वो होगा 273.16 केल्विन। यहाँ पर पानी का जो होता है ट्रिपल पॉइंट होता है। और अगर पास्कल में याद रखना है तो याद रखिएगा 611.2 पास्कल, 2 पास्कल। अगला है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में और सब में बराबर। तो ये होगा आंसर आयतन में, क्योंकि ये प्रसार होगा और प्रसार हर जगह से होगा इसलिए आयतन में परिवर्तन होगा। पानी कब खौलता है, जब उसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जब इसका वाष्प दाब पारे से 76 डिग्री सेंटीमीटर के बराबर होता है, जल का स्थलीय ताप वातावरणीय दाब के बराबर होता है, जब पानी का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर है जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तो पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, ऊष्मा उत्पादक, डायनमो, ऊष्मा इंजन, सौर प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऊष्मा इंजन। विद्युत केतली में पानी गर्म किया जाता है चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। तो आंसर होगा इसका, हमारे पास होगा इसका आंसर संवहन के कारण ये पानी गर्म होता है। सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त मथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होगी, ह्रास होगा, ताप स्थिर होगा या जल का ताप पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा से, स्थितीय ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, 2 और 3 दोनों। तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा से, जो पानी हम टर्बाइंस में गिराया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण ये पानी गिरता है। अगला है, एक निश्चित ताप x0 पर फ़ारेनहाइट तथा परम ताप स्केल के पार्ट समान पाए जाते हैं, x का मान होगा, तो x का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 574.25। निम्न में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, द्रव थर्मामीटर का, द्रव का अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर, अचर आयतन वायु थर्मामीटर और ताप वैद्युत पुंज। तो आंसर होगा ताप वैद्युत पुंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, ये है, शब्द इंसुलेशन का अर्थ है विद्युत रोधी सामग्री, आने वाला सौर विकिरण, अविलय सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उपरोक्त ऊष्मारोधी सामग्रियाँ, इसी ही इंसुलेशन कहा जाता है। ये कॉमन टर्म है, आपने जरूर घर परिवार या आप जब भी कोई मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ है, तो देखा होगा। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, 100 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर और 273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका होगा आंसर, इसका होगा हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती, पहला, दूसरा या तीसरा या 0 या 0th law। तो ये कहता है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी गर्म होने का कारण संवहन का है, चालन का है या विकिरण का है या संघनन का है। तो इसका आंसर है संवहन का है। संवहन मतलब जहाँ पे फ्लूड टू फ्लूड या द्रव से द्रव में ऊष्मा का प्रवाह होता है वो संवहन कहलाता है, जहाँ ठोस और ठोस के मध्य होता है वो कहलाता है चालन, और जहाँ पे कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो वहाँ पे अगर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो वो कहलाता है विकिरण। परम ताप टी पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा हाफ के टी, 3/2 KT और 2 KT। आंसर है 3/2 KT। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, इसका आयतन, द्रव्यमान दोनों घटता है, इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। आंसर है आयतन घटता है, बर्फ़ जब पिघलेगी तो उसका आयतन ऑब्वियस है कि कम होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप पानी में उसका स्तर में क्या प्रभाव होगा, तो स्तर तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ का क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82, पूर्णतः काले पिंड को अवशोषण शक्ति है, पूर्णतः काले पिंड की अवशोषण शक्ति है, एक ब्लैक बॉडी की अवशोषण शक्ति होगी वो होगी 1।
जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू करती है? तो बर्फ़ सबसे पहले नीचे से, बीच से, ऊपर से, आंसर होगा ऊपर से। इसी कारण से नीचे पानी रहता है और उसमें जली जीव बच जाते हैं। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापमान समान होते हैं? आंसर है -40 डिग्री पर। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस एग्जाम में आया हुआ। थर्मोसेट एक यंत्र है जो स्नान उपकरण के तापमान में भिन्नता ले आता है। एक औजार है जिसमें थर्मामीटर की सटीकता निर्धारित होती है। एक यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थित तापमान बनाए रखता है। आधुनिक किस्म का थर्मोप्लास्क जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है आधुनिक किस्म का थर्मोप्लास्क जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन से संबंधित निम्न से कौन सा व्यक्तित्व सही है? ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य किया है। एक क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस और द्रव में ऊष्मा अंतरण या वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशक गति द्वारा। आंसर है तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।